सबसे मूलभूत समस्या यहाँ पर पहुँच मार्ग की है तत्काल में, क्योंकि यहाँ का जो मेला है वो भी ऐसे पारंपरिक तरीके से, क्योंकि ये जितना आप लोगों को पहले जानकारी मिली कि ये इतने पुराने हैं और लगभग ये मेला भी उसी समय से पुराना है, जबकि बरसात में ऐसा आप लोगों ने कभी देखा ना होगा कि भारी बरसात में कहीं ऐसे बहुत भारी मेले लगते हों। हम लोगों तो अभी आपने आसपास कभी सुने नहीं, लेकिन उनकी कृपा है, उनकी महिमा है, पता नहीं उनकी क्या देन है कि यहाँ माने प्राचीन समय से ही मेला का जो आयोजन है वो जुलाई के महीने में ही होता है, लगभग जो हिंदी महीने का आषाढ़ महीना होता है इसमें उनके मेले का आयोजन होता है प्रति मंगलवार। और सबसे बड़ी समस्या है बरसात में कीचड़ की, और रोड हमारा जो है PMRY रोड यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, वहाँ से यहाँ तक का पूरा रोड कच्चा है। अभी गत वर्ष में 2-3 साल पहले ये अभी जो कच्चा रोड बना है ये भी शासन के द्वारा ही निर्मित है, लेकिन इसमें भी भारी झंझट थी, क्योंकि पहले अतिक्रमण माने जंगल द्वारा ये कहा जाता था कि हम अतिक्रमण किए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हम लोग अतिक्रमण में नहीं हैं, ये अतिक्रमण तो जंगल वालों का था, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है इसका भी तो ये राजस्व का है। तो मैंने काफ़ी अरसों से ये अपना जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, श्रद्धालु जन हैं हम लोग जो जुड़े हुए हैं, तो इसका बहुत दिनों से हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी, और फिर जाके कहीं अभी थोड़ा सा इसमें हम लोगों को ये ढिलाई मिली है कि चलो यहाँ कुछ हो जाए। तो अभी ये गवर्नमेंट से सामुदायिक भवन भी बना, दो बन चुके, और मतलब यहाँ कम से कम ईंटें रखने की समस्या थी, कोई पक्की ईंट नहीं रख सकता था, क्योंकि नेशनल पार्क के चलते यहाँ पर बहुत बड़ा रंगा लग जाता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब हो रहा धीरे धीरे। उसी तारतम्य में ये दो सामुदायिक भवन और प्लस साथ में अभी एक रोड जो आया, तो ये मुर्मीकरण का बोल्डर मुर्मीकरण कच्चा रोड मिला था, अब ये कच्चा रोड बने 4 से 5 साल होना शुरू हो गया, वो भी कट फट गई है ना उसकी मरम्मत। और फिर ऐसी जगह में जहाँ मेले का आयोजन है बहुत भीड़ भाड़ का वातावरण बनता है, इसमें हम लोग अनुरोध है हमारा अपने जिला कलेक्टर महोदय से कि मैंने शीघ्र रोड बनवाने की कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा, लोगों के लिए आने जाने की सुविधा बनती रहेगी, नहीं लोग यहाँ बरसात में कई लोग गाड़ियाँ मोटर आई फिसल गई, जाम हो गई, फंस गई, कई लोग गिरते भी हैं, चोटें लगती हैं, क्योंकि बरसात में है उनका पावन पर्व ये।
और पावन पर्व में लोग आते ही आते हैं। वैसे तो हर शनिवार मंगलवार यहाँ वैसे भी लोगों की श्रद्धा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बाहर से कई संत लोग भी नाम सुन के आए और उनके भी मुखारविंदों से सुनने को मिला कि भैया ये तो छुपे हुए थे, ये तो मतलब ये त्रेता के, ऐसा कहते हैं कि ये त्रेता युग से हैं, ये तो ये पीठ है यहाँ पर, क्योंकि दक्षिणायन हनुमान जी हैं, कोई स्थापित है नहीं, ये लेटे हुए हनुमान जी, शुरू से इनकी दशा लेटी हुई है और इस शिले का भी पता अंत नहीं है कि कितने गहराई है। क्योंकि एक बार यहाँ ऐसे कुछ लोग जैसे भी मनसा से खुदाई किए, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं था, वीरान था, बहुत बड़ा जंगल था, मौका पा के लोग यहाँ सोचे कोई खजाना हो या जैसा भी उनकी मानसिकता रही हो, तो खुदाई भी हुई। लेकिन खुदाई किए, पता चला पूरी रात खोद डाले और उस सुबह तक लगभग 2-4 फीट जो खोदे रहे हों, इससे ऊपर नहीं खोद पाए, उस शिले का कहीं अंत नहीं मिला कि उस शिला कितने गहरी में है। चूँकि ये खाली मूर्ति ऊपर नहीं पड़ी है, बहुत बड़े शिला में स्थापित है, ये भी प्रमाण मिला उनकी खुदाई से कि ये शिला जो है पत्थर की बहुत गहरी है, पता नहीं कितनी है, अंदाज़ा नहीं है। ये है यहाँ चमत्कार। अरे मेरा नाम भैया मोहन सिंह रघुवंशी है, सलैया ग्राम है मेरा, समीपी ग्राम है। यह इस क्षेत्र का परम धाम है, सैकड़ों गांव के लोग यहां से आस्था रखते हैं और यहां जो भी आता है शुद्ध मन से यदि मनोकामना लेके आता है तो कभी वो खाली नहीं जाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये सनातन का धाम है, जब से इस क्षेत्र के व्यक्ति जो भी हमारे सयाने हैं सबसे हम लोग पूछे है ना, तो जब से देखे हैं, जब से जानकारी है लोगों को, तब से ये धाम यहाँ हमेशा बजरंगबली महाराज जी लेटी अवस्था में रहे हैं। मंदिर है तो अपने समय समय पर लोग उसका पुनरुद्धार करते रहे हैं, है ना। बाकी ये धाम जो है पता नहीं कब से यहाँ स्थिति है, और यहाँ आषाढ़ के महीने में प्रतिवर्ष हर मंगलवार को मेला लगता है और क्षेत्र के सैकड़ों गांव के व्यक्ति दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और पूरे मंगलवार को मेला रहता है। इसके बाद पूर्णमासी को मेला का समापन होता है। इसी क्रम छोटी मोटी समस्याएं भी देखी जा रही हैं सड़क को लेकर, अभी तक ये लगभग 2 साल पहले तक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र पर माना जाता था, लेकिन बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के बाद माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय क्षेत्र संचालक महोदय बांधवगढ़, आप लोगों ने इसका जब गहन जांच किया तो पता चला कि ये कुछ क्षेत्र जो है बांधवगढ़ से पैच कटा हुआ है, तो ये क्षेत्र राजस्व भूमि में है। अभी 2 साल से लगभग ये क्लियर हुआ है, उसके बाद यहाँ कुछ थोड़ा बड़ा निर्माण कार्य जो भी शासन के या यहाँ के समिति के लोग हैं इनके द्वारा शुरू किया गया है, पर अभी बहुत सारी यहाँ आवश्यकता है काम करने की। और रोड जो है रास्ता भी कच्चा है गांव से धौरखो गांव से यहाँ तक का, तो उसको थोड़ा ठीक ठाक करना और यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि इस धाम की सबसे जो लोगों का रुचि है यहाँ आने की वो यहाँ का पर्यावरण है, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो यह स्थान हमेशा जागृत रहेगा। हाँ, जानवर लगातार आते जाते रहते हैं, आप यहाँ शाम को अभी बैठेंगे, दोपहर में बैठेंगे तो बहुत सारे चीतल सांवर वगैरह, ये बगल में जो नाला है ना उसमें पानी पीने और शाम को चरने भी आते हैं, बीच बीच में टाइगर के भी मूवमेंट मिलता है, और लगभग जितने बांधवगढ़ के जानवर हैं सब कहीं ना कहीं यहाँ क्षेत्र में आना जाना बना रहता है लगातार। मैं राजकुमार द्विवेदी चंदिया का निवासी हूँ और टाइगर रिजर्व में डायरेक्टर ऑफिस में नौकरी भी करता हूँ।
यहाँ के ऐतिहासिक ये है कि हम लोग हमारे आजा परपाजा ने बताते थे ये मूर्ति बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। और इसके उपरांत में जो हमारे दुखीलाल भाई ने बोला बताया है वो सारी प्रक्रिया वही है। इसके बाद ये ठाकुर संग्राम सिंह ने मंदिर बनवाया, इसमें उर्मलिया जी पुजेरी महाराज थे जिनका आज मने समाधि लगी हुई है ब्रह्म बाबा में। उनके ज़माने में मने सन 15 में हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ ये मूर्ति के लिए खंडित किए थे। और खंडित करने के कि इसको हम मने इसके नीचे माया इसको बहुत खंडाले बाकी मूर्ति नहीं निकल पाई, चोल लोग ने बहुत किया। और इसके उपरांत में फिर यहाँ क्या किया गया कि बजरंगबली जो है तो गांव वाले नागरिकों को सबको कहा कि ऐसा है कि मेरे को इलाहाबाद ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बदले में वो मूर्ति जो सामने मंदिर ही वो मूर्ति आई थी। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे हूँ, मेरी आस्था वही है, आप लोग मने कीर्तन करिए 24 घंटा और सफ़ेद चादर मेरे को ओढ़ाइए और मैं वही का वही हूँ। ये बहुत मने वो जो आदमी आता है सिद्धि लेके वो यहाँ से प्राप्त करके जाता है। और यहाँ मुंडन होता है तो इसका मुंडन मने हत्था लगाया जाता है और जब उनको बजरंगबली देते हैं तो वो हल्दी से लौटाया जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, लोग बहुत बहुत दूर इलाहाबाद तक के आते हैं, आपके मुहास के आते हैं, पंडा लोग आते हैं। ये माना गया है जेठा आश्रम धारखो मंदिर, वहाँ मुहास का पंडा ने बताया था कि ये जेठा आश्रम यहाँ का माने शाखा हमारे मुहास में है, ये हमको जानकारी पंडा ने दी। पर यहाँ से हिले नहीं हैं और कौनों प्रकार का वो जो गढ़ान बना है वो इंदारा के लिए। तो बजरंगबली ने हमारे सियान बताते कि मेरे को आवश्यकता नहीं है कि इंदारा बनवाओ, मेरे हनुमान धारा वैसे बह रहा है, कोई ज़रूरत नहीं। रात दिन भर काम करते थे, आते थे, उसमें दो दो डीजल पंप डाले हुए हैं खदान में, अध्वस्त हो जाता था बराबर। ये करवाता था कौन? ठाकुर संग्राम सिंह ताली वाले जो स्वर्गवास हुए, उनकी 5वीं पीढ़ी चल रही है। हमको ये जो हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ कैसे मिला और किस लोगों ने बताया और कैसे खोज? यहाँ बसा था धारखो गांव छुलहा, ये उमरार के पास छुलहा है, ये जो धारखो उठ के गया है पहले यहाँ था, वो सगनुआ बैगा नाम का वो यहाँ बसा था। वो यहाँ मने जंगल था और माँ बेसी चराता था, उसको अचानक जैसे भी उस प्रक्रिया भगवान जाने उसको क्या मने हुआ, उसने ऐसे देखा तो करौंदा का पेड़ था, उसको ऐसा आकाश मन हुआ कि यहाँ कुछ पड़ा है, तो उसने टारा भी और उसको टारने के बाद मूर्ति निकली। अब जैसे अपन लोग खेत में कचरा कूड़ा जलाते ऐसे धर दिए झाड़ झूड़ के, तो जो दुखीलाल ने बताया वो सत्य बताया कि फोड़ा पड़ा। तो ये दिलराज सिंह की घरवाली धौरखो ठाकुराइन राम सिंह की घरवाली दिलराज सिंह ससुर है और ये दिलराज राम सिंह जो है तो पति है, उसकी औरत उसने घी लगाई है तो फोड़ा आपसे आप समाप्त हो गया है, ये बताते थे। वो डोकरिया कितनी थी? 100 साल 10 महीने का, वो स्वर्गवास हो चुके, उसके नाती पोता भी इतना हम दे ये है। और यहाँ जो आदमी आत्मा लेके आता है वो भगवान पूरा करते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है। नाम पूछा है ना, नाम क्या लिखते हैं? मुन्ना लाल यादव। कहाँ के रहने? सलैया। हमारी आस्था जो है तो धारखो मंदिर से लगी हुई है, इनके देन हुई है, हम लोग राज कर रहे हैं और जी रहे हैं। हमको कुछ भी है, ये जो कोरोना है सब इनके आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में नहीं होता, आज भी कोई भी नहीं, ये भी हमारी आस्था है। और यहाँ के लिए हमारा तन मन खून पसीना सब यहाँ हमारा तृप्त है।
पंडित जी, यहाँ पता चल रहा हनुमान धारा की जी, उसकी जानकारी। एक दो तीन किलोमीटर आगे से ये हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध है। ये कभी पानी सूखता है, हैं, बारह महीने इतने जो आज बह रहा है दलदल है वो उतना उबगार आज भी हो रहा है। और ये क्षेत्र का पानी सूख जाएगा मगर ये धार नहीं सूखती है। हनुमान जी की कृपा ऐसी है, ये यहाँ का पानी सब सूख जाएगा मगर ये पानी इतना चलता ही रहेगा। और आगे एक नदी है, उसमें जाके जुंटा है, घोघरा नदी बोलते हैं उसको। ये जगह को तो अब ये पहले धौरखो मढ़िया लोग कहते थे, लेकिन आज के डेट में धौरखो धाम के नाम से जाना जाता है उमरिया जिले में। कब से है ये स्थान, मतलब यहाँ की विशेषता है, जहाँ की यहाँ की जानकारी तो हम नहीं थे, तब भी यहाँ की जानकारी मिल रही है, हमारे पिताजी लोग बताते हैं, उनको भी ये मालूम नहीं है कि कब से हनुमान जी यहाँ पड़े हैं। और यहाँ का विशेषता ये है कि आज कई वर्षों से जब से अब हम जानने लायक लगभग 45-46 वर्ष के हो गए, तब से यहाँ आषाढ़ के महीने में हर मंगलवार को यहाँ बहुत मेला पहले से लग रहा है, आज भी लगते आ रहा है, लेकिन दो साल से लगभग लॉकडाउन के चलते बंद है। नहीं, यहाँ भारी कितनी भी बरसात क्यों ना हो, लेकिन लोग मेला यहाँ का विख्यात था। और प्रभु हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा है कि हर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, और हर वर्ष मेले में लोग मनोकामना लेके यहाँ से, कई लोग ये आषाढ़ के महीने में मुंडन होता है, कई लोगों का हजारों लोग हर वर्ष यहाँ मुंडन का कार्यक्रम होता है। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं अपन मन्नत पूरी करके जाते हैं और पुनः दोबारा लौट कर आते हैं। प्रभु की ऐसी लीला है कि जो भी सच्चे भाव से आया है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी मन्नत पूरी ना हुई हो। 15-16 की बात। इस जगह के बारे में जो है तो काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट के माध्यम से तो अभी नहीं हुई व्यवस्था कोई, हमने आग्रह किया है कलेक्टर साहब से, आके देख यहाँ आए थे, रोड में रोड के लिए बोले हैं, एक पुल के लिए तो आश्वासन दिए हैं, अब आगे क्या प्रक्रिया हो रही है अभी तक कुछ प्रशासन के यहाँ से वो नहीं मिल पाया है। यहाँ भक्तों के माध्यम से जो भी यहाँ की चमत्कारी है तो भक्त को माध्यम मंदिर वगैरह जो है तो मतलब आप लोग की जानकारी में बना बहुत बार में।
ये मंदिर तो पुरानी जो रही वो छोटी छोटी रही है, वो नया निर्माण हो चुका है। ये पुरानी मंदिर है, जब से बना है ये बड़े हनुमान जी में। ये मूर्ति वगैरह का जो है, ये कितनी पुरानी मूर्ति होगी लगभग? ये तो लगभग एक अनुमान बताते हैं लोग कि 300 साल पहले से मंदिर यहाँ थी। पहले यहाँ धौरखोक गांव बसा था बहुत पहले, लेकिन हो गया कुछ उस समय की ऐसी समस्याएं थी कि एक महामारी बीमारी चलती थी, उसको छोड़ छाड़ के चले गए होंगे। वैसे इसका इतिहास मिलता है, एक धौरखो गांव का एक आदिवासी बैगा था, उन्हीं को हनुमान जी, बैगा ही समाज को हनुमान जी ने मिले। प्राचीन मूर्ति, ये पड़ी हुई मूर्ति यहाँ जंगल में मिली, तो चतुरु नाम का बैगा है वो था, आज से तीन पीढ़ी पहले की बात है। तो लोग हमारे पूर्वज जो बताते हैं, ये धौरखो का ही वो आदिवासी था, जब ये इधर आया जंगल की ओर तो ये करौंदा के पेड़ था, उनके नीचे इनकी कुछ अपना आवश्यकता के अनुसार गया होगा, दिखा होगा कुछ कचरा, जब पीछे किया तो उसको समझ में आया हनुमान जी की मूर्ति है। जब गांव में जब लोगों को बताए तो फिर उस समय लोग आए गांव से, ताली सलैया धौरखो से लोग आए, तो जब देखे कि प्रतिमा है तो एक छींदी की मड़ैया बना दिए थे लोग उस समय। तो छींदी की मड़ैया काफ़ी दिन रही आई, संयोग से पता नहीं ईश्वर की उन्हीं की क्या लीला हुई, उसमें एक बार कहते हैं लोग कि आग लग गई उस मड़ैया में। तो जब मड़ैया में आग लग गई तो वहाँ हनुमान जी के ऊपर छाले पड़ गए थे उस समय। उसका प्रमाण मिलता है कि ये धौरखो के ठाकुर समाज की कोई महिला थी, वो महिला आया करती थी यहाँ धौरखो हनुमान जी के भी वो लगाने उनकी छालों में। इसके बाद उपरांत कुछ दिन के बाद प्रभु की उन्हीं की ऐसी लीला हुई कि अपने आप पटा गया, तो लोग फिर मंदिर बना दिए। तो ये मंदिर लगभग हमको तो अनुमान है कि ये 100 साल से ऊपर का बना हुआ है ये मंदिर, जो ये बहुत इस कम से कम 8 फीट की दीवार है इसमें। तो हो गए इसके इसमें आगे ऐसी प्रक्रिया, लोग जैसे जैसे जानते, अभी हमसे बहुत 80 साल के लोग ये जो मैं बता रहा हूँ उनसे जान के मैं बता रहा हूँ, मेरे को कोई अनुमान नहीं है। बताइए कब से हनुमान जी पड़े हैं और इनकी लीला तो अब क्या बताएं, जिन्होंने जान लिया है तो कभी भूले नहीं हैं। अब इनके लीला में मैं बखान नहीं कर सकता हूँ कि ये कितने दयालु हैं। मेरा नाम दुखी लाल यादव, कौन सा गाँव? धौरखो सलैया के हैं, हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर गाँव है।